वेलकम बैक टू माई चैनल फूड एंड ट्रैवल एक्सप्रेस एंड वेलकम बैक टू अनदर फूड रिव्यू। और आज हम हैं नाभा में, तो आई एम गोइंग फॉर वोकल फॉर लोकल। मैं वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करती हूँ, जो हमारे लोकल रीजन में जितने भी अच्छे और स्ट्रीट फूड्स हैं या स्ट्रीट वेंडर्स हैं या बेकरीज हैं, मैं उनके फूड को सपोर्ट कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई आज ये सीरीज़ हमारी वोकल फॉर लोकल का पहला पार्ट है। सो मैं नाभा रीजन की एक बेकरी है यहाँ पे क्वालिटी बेकर्स, जिनसे मैंने उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ पैटीज, आप बोल सकते हो, वो मैंने मंगवाई हैं और हम इनको टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसी हैं, टेस्ट में कैसी हैं और इसकी क्वालिटी कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, मैं सब आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको इनका एड्रेस चाहिए होगा तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। अगर आपको ऑर्डर करनी है, ये स्विगी जोमेटो सब पे अवेलेबल भी हैं। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो सबसे पहले तो मेरे को ये इस तरह अच्छी तरह टेपिंग के साथ रिसीव हुआ है ये पैकेज, तो सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ। तो यहाँ मैंने कर लिया है अनबॉक्सिंग और ये हैं हमारे पास तीन वैरायटीज इनकी विद केचप। अनबॉक्सिंग आपने देख ली है। ये है सबसे पहले सबसे टेंटिंग, ये है क्रीम पैटी, ऐसा ही लिखा हुआ था कि क्रीम पैटी है। देखने में ही बड़ी अच्छी लग रही है ये। एंड अगेन ये है तंदूरी वन, तंदूरी पैटी, ओके। एंड ये है पनीर पैटी, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी मैं आपको खोल के दिखा दूँगी। अभी चलते हैं इनकी टेस्टिंग की ओर। सो इन तीनों में से सबसे पहले मैं जो टेस्ट करने वाली हूँ वो है ये चीज़ पैटी, जो सबके टेम्प्टिंग लग रही है। और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुझे गर्म नहीं रिसीव हुआ, ये बिल्कुल पैकिंग हॉट था और पैकिंग बहुत अच्छी थी, डिलीवरी टाइम भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल सही टाइम पर आ गया, बल्कि पहले ही रिसीव हो गया ये पार्सल मेरे को। सो नाउ फॉर टेस्टिंग। टेस्ट में बहुत अच्छी है। अगर हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं या कुछ हमें कुछ मंगवाना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप दिखाती हूँ मैं आपको तंदूरी क्रीम पैटी। तो सबसे पहले तो आप इसकी सॉस देखिए, जैसे बार डिप आउट हो रही है, तो इसकी टेस्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास है पनीर पैटी, जिसमें से पनीर बहुत अच्छे से दिख रहा है, सी गिर भी रहा है। पनीर पैटी का टेस्ट भी ऑसम है। अगर इन तीनों में से पूछा जाए कि सबसे अच्छी कौन सी है, तो मुझे सबसे अच्छी, वैसे तो सभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर कोई क्रीम में और चीज़ में नहीं मानता कि क्रीम होना चाहिए, चीज़ होना चाहिए, तो आई विल प्रेफर पनीर पैटी दी मोस्ट, सबसे अच्छी पनीर पैटी। वरना ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं, आजकल की जनरेशन वैसे भी चीज़ और चीज़ क्रीम में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। सो जनरेशन वाइज देखा जाए तो उनको ये पसंद आएगा, लेकिन अगर सबके लिए घर पे गेस्ट आए हैं, कुछ अच्छा मंगवाना है ऑप्शन, तो पनीर पैटी इज़ वेरी गुड। सो अगर इन पैटीज़ की बिलिंग की बात की जाए तो ये कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इनका रेट 20-25-30 ऐसा ही है। सो अगर हमने पॉकेट भी देखनी हो और टेस्ट भी देखना हो तो उस मामले में ये बहुत अच्छे हैं। आई विल मस्ट रिकमेंड दिस क्वालिटी बेकर्स। और इनका ये जोमेटो पे अवेलेबल हैं, आप जाकर भी ले सकते हैं। और अगर आपको और कोई भी इनका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो और इसी तरह मेरे चैनल को प्यार करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और रिव्यू वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी और हैशटैग वोकल फॉर लोकल इज़ ऑन। अब ये सीरीज स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं कि नाभा में और क्या क्या स्पेशल मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़। बाय बाय।